नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण कोहली है और मैं विद्यामंदिर क्लासेस में पिछले 15 साल से आईटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस देख रहा हूँ। और मेरे साथ हैं आज द वन एंड ओनली बड़े भैया, जो कि JEE टेस्ट प्रेप इंडस्ट्री के आइकॉन हैं। और आज बड़े भैया हम लोगों को थोड़ा गाइडेंस देंगे कि अब जैसे सिर्फ 7 दिन रह गए हैं JEE मेन 2020 के अंदर, तो क्या हम लोगों को एक्चुअली करना चाहिए ताकि हम लोग एक बहुत ही अच्छा स्कोर और जितनी मेहनत हमने करी है उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट अचीव कर पाए। थैंक यू वरुण। दोस्तों, 7 दिन रह गए हैं। एक्चुअल में क्या है कि समय बहुत कम है, लेकिन ये 7 दिन बड़े इफेक्टिव हो सकते हैं। और अगर आप थोड़ा कॉन्शियसली इसके बारे में अच्छे से काम नहीं करोगे तो ये 7 दिन आपके 2 साल के मिशन को ख़राब करने के लिए भी बहुत बड़ा टाइम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो आपको मालूम है एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होने वाला है। कुछ लोगों का वरुण मॉर्निंग में एग्ज़ाम है, कुछ लोगों का आफ्टरनून में एग्ज़ाम है। तो आपको क्या करना है कि पिछले 3 सालों से सारी एनर्जी आप ब्रेन में दे रहे हो अपनी, कि भाई फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, ठीक है, या जो इमोशंस भी आपकी उठ रही हैं वो ब्रेन में जाकर टकरा रही हैं। तो ब्रेन का काम काफ़ी हो चुका है और बड़ा एक्टिव हो चुका है। तो अभी क्या है, जो आपकी बॉडी, जो जिसको आप रात को सोने का मन कर रहा है, बॉडी का आप पढ़ा रहे हो, काफ़ी टॉर्चर कर रहे हो, कमर सीधी करनी पड़ रही है, बॉडी रेस्ट मांग रही है, ठीक है, तो काफ़ी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो मुझे लगता है 7 दिन वरुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें बॉडी और माइंड की एक हारमोनी क्रिएट करनी चाहिए। तो कैसे करनी चाहिए कि हमें जो है ना अपना जो एक पूरे दिन का जो रूटीन है वो इस तरह से बनाना चाहिए कि भाई बॉडी जो है ना एट रेस्ट पर ले जाए। क्योंकि ये आप जानो, जितना माइंड आपका एट ईज होगा, माइंड एट ईज, माइंड जितना काम होगा और जितना रिलैक्स होगा ना, उतना ब्रेन जो है ना आपका एक्टिवली काम करेगा और उतना जो उस दिन जो डी डे आएगा आपका, किसी का 6 को 7 को 8 को, वो काम करेगा। तो क्या करो आप कि बिल्कुल एक रूटीन बना लो कि सुबह कितने बजे उठना है, बल्कि यह शुरू करते हैं कि रात को जल्दी जल्दी सोने चले जाना है। ये नहीं है बैठ के भाई रात को मतलब 1 बजे तक उठ रहे हैं, 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं। एक बिल्कुल डिसिप्लिन बना लेना चाहिए कि भाई यार 10:30 बजे सो जाना है। और जो लोग का सुबह शिफ्ट है उनको तो पक्का है कि 5:30 बजे 6 बजे उठने की हैबिट डालनी पड़ेगी, और क्योंकि उनको सेंटर पे 7:30 बजे पहुँचना है। आपको मालूम होगा, आपने देखा वो 7:30 बजे बुलाते हैं वो, तो आपको तो बोला कि 5:30 बजे उठने की हैबिट डाल लेनी चाहिए। 5:30 का मतलब है नींद 7 से 8 घंटे होना बहुत ज़रूरी है। अब 7 तो मिनिमम ही है, कुछ बच्चों को 8 की जरूरत पड़ती है, बच्चियों को कुछ 8 की जरूरत पड़ती है, नींद की, फीमेल शरीर होता है। तो इसलिए क्या करो, रात को टाइम पे सोने जाओ, इस तरह टाइम पे सोने जाओ कि अगर मुझे 6 बजे उठना है तो मुझे 11 बजे सो जाना है, 5:30 उठना है तो मुझे 10:30 सो जाना है, ठीक है जी। उसके बाद उठ के थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, क्योंकि रात को बॉडी अकड़ जाती है, बहुत ठंड का मौसम चल रहा है इस टाइम, थोड़ी सी अपना बेसिक एक्सरसाइज रामदेव स्टाइल का थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करो, ठीक है जी। और नाश्ता सेट कर लो कि भाई क्या खाना है, कौन सा एनर्जी फूड है। अब बैठ के लोग दूध पी लेते हैं, अब एकदम से प्लेन दूध पी लो, बॉडी को सूट नहीं करता है प्लेन दूध। उसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल लो, कुछ फ्रूट्स डाल लो, ड्राई फ्रूट डाल लो, दलिया खा लो, बड़ा अच्छा रहता है। न्यूट्रिशन जरूर होना चाहिए फूड के अंदर, फूड हम कह रहे हैं कि लाइट होना चाहिए लेकिन न्यूट्रिशियस होना चाहिए। तो ये फूड जो है ना 7 दिन सेट कर लेना चाहिए, ना तो बॉडी कन्फ्यूज नहीं होगी कि अभी कोई बच्चा 10 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 8 बजे उठ रहा है, कभी कुछ खा लिया, कभी इधर हाथ मार लिया, उधर मिक्सचर खा लिया, ये ठीक नहीं है। अभी क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड न्यूट्रिशन डाइट हो जानी चाहिए, वही लगातार आपको 7 दिन तक खानी चाहिए। समझ आ रही मेरी बात आपको जो है? और उसी तरह से अगर सुबह का एग्जाम है आपका, तो आप सुबह 9 से 12 एग्जाम है, 8 से 12 टेबल पर बैठ जाओ। अगर आपका दोपहर को 2 से 5 एग्जाम है तो वरुण 1 से 4 बैठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सेंटर पे 1 घंटा पहले बढ़ा देते हैं जाके, ये पक्का है, नियम है, 1 घंटा बढ़ा ले। अब ब्लैक स्क्रीन होगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ को कार्टून पूछे चल रही है, मजा आ रहा है आपको, आपके थॉट्स चलेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ हुई पहली बात आज की, आपको बॉडी को माइंड को हार्मोनाइज करना है, बिल्कुल टोन डाउन कर लेना है बॉडी को, कि बॉडी आपके ब्रेन को सपोर्ट करे। अभी तक ब्रेन ने बॉडी को सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल, तो ये बात ध्यान देनी है आपने। बिल्कुल, आई होप मेरा मैसेज क्लियर है। मुझे लगता है बड़े भैया ये कहना चाह रहे हैं कि यू हैव टू रीलिव द डी डे फॉर दीज 6-7 डेज एवरी डे। यस, शायद ठीक, आप समझो बात को, मतलब एक तरह से बिल्कुल 7 डेज वही करना है जो 8वें दिन आपका एग्जाम वाले दिन होना है, 9वें एग्जाम वाले दिन है। मतलब उससे क्या होगा, एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी जी। उसके लिए क्या हो जाएगा, नेचुरल एक फीलिंग बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी वरुण, बिल्कुल, बिल्कुल। और बताओ क्या बात। अब जैसे
7 दिन रह गए हैं, तो 7 दिन में कई बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि क्या ये 7 दिन एनफ है हमारे लिए, ये एक जनरल परसेप्शन रहता है। मैं समझ गया कि भाई सब्जेक्ट जो है हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है। देखा जाए 7 दिन रह गए हैं, मिनिमम तो है ही, 6 दिन भी बहुत होते हैं टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। अभी टॉपिक ये थोड़ी ना कि ट्रिग्नोमेट्री खोल के पढ़ना है, कोई मैकेनिक्स पढ़नी है। अब तो क्या है कि भाई एक उठाया है मैथमेटिक्स का रिवीजन करना है, कैसे करना है? आप सबने अपने कोई नोट्स बना रखे होंगे, शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, फॉर्मुलों की लिस्ट बना रखी होती है, एक फीडबैक होता है पूरे साल का बना रखा होता है, शॉर्ट समरी जिसे कहते हैं, ठीक है जी, उसको उठाओ पढ़ लो, 2 घंटे में कैलकुलस रिवाइज हो जाएगा, 2 घंटे में कॉन्टिन्यूटी रिवाइज हो जाएगी। इस तरह देखा जाए तो हमारे पास अगर एक दिन में एक बच्चा 10 घंटे भी काम कर रहा है जी, एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हो, 3 से 3.5-4 घंटे एक टेस्ट की शीटिंग कर लो, तो डेली एक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। उससे फीलिंग क्या होगी, हम तीनों सब्जेक्ट के अंदर अपने माइंड को ट्रेवल कराएंगे। जनरली क्या करते हैं बच्चे वरुण यार, क्या करते हैं कि वो मतलब फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं सारे दिन, ना 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 ऐसा नहीं करना है। एक सीटिंग तो पक्का, वही जो आपका टाइम है एग्जाम वाला, मॉर्निंग शिफ्ट वाले मॉर्निंग में एग्जाम देंगे, आफ्टरनून शिफ्ट वाले आफ्टरनून में एग्जाम देंगे। उसमें क्या कर सकते हो, आपके मॉक टेस्ट जो कर रहे होंगे, आप जो मॉक टेस्ट होते हैं आपके, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, प्लस जो प्रीवियस ईयर मीन्स होते हैं उससे बाद में आते हैं। तो कहने का मतलब है कि 6 दिन के अंदर आपके पास जो है 2 दिन इफेक्टिवली पर सब्जेक्ट अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन फीस पढ़ रहे हो, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। एक सीटिंग करनी है टेस्ट की और दूसरी सीटिंग करनी है आपका जो है कि भाई जो भी आपके फॉर्मे हैं, जो भी रिजल्ट हैं, जो आपने अंडरलाइन किए हुए हैं, कोई आपके वीक टॉपिक हो सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो सकते हैं, कुछ टॉपिक आप मिस्टेक कर रहे हो, उनको हाईलाइट कर लो। और मैं बताऊँ आपको जो है 2 साल से क्या कर रहे हो भाई, तुम 3 साल से क्या कर रहे हो यार, तैयारी तो हो चुकी है, आपको मालूम है तैयारी हो चुकी है। ये हमारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, उसके अंदर पापा हो गए कि फिजिक्स तेरा ठीक है क्या, मम्मी ने कहा मैथ्स ठीक है क्या, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन चलना शुरू हो जाता है लॉट ऑफ टाइम। 7 दिन में आप अकेले ही रह रहे हो, आप फैमिली साथ रह रहे हो, तो उसमें क्या होता है, दूसरे आपको आइडिया देते हैं, आपके थॉट एक्टिवेट कर देते हैं। आप नहीं सोच रहे कि मेरा फिजिक्स वीक है, लेकिन मम्मी ने पूछ लिया कि केमिस्ट्री ठीक है तेरी, मान लो बाई चांस केमिस्ट्री की है मम्मी या पापा फिजिक्स के प्रोफेसर हैं या बड़े टॉप के मतलब कंपनी के सीईओ हैं, उनके तो आ जाते कुछ नहीं पूछेंगे, पेरेंट्स हैं भाई आपसे प्रेम रखते हैं, पूछ सकेंगे पूछेंगे, तो उससे एक्टिवेट होगा ये। तो आपकी तैयारी हो चुकी है, 2 साल सफिशियंट है। अब ये कि 7 दिन यू हैव टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट, बिल्कुल जोश से उमंग से जाना है 7वें 8वें दिन जो भी आपका एग्जाम होगा। समझ आ रही है आपके बाजू में कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। क्या तूने पूछा था बेटा कि मतलब टेस्ट के बारे में ही बात करनी है कुछ? जी, बेसिकली अब ये जानना था कि जैसे अब स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो ये पूछते हैं कि भाई ये 7 दिन इनफ है या नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली आता है वो आता है कि कौन से पेपर्स देने चाहिए। yes, बहुत बढ़िया बात है ये। देखो बेटा 7 दिन में 7 पेपर तो भी नहीं हुए, अब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, सीबीटी एग्जाम हो रहे होते हैं हर बच्चे के, हर सेंटर के अपने कोचिंग स्टूडेंट में एग्जाम होते हैं, हो सकता है किसी के 2 हो रहे हो 3 हो रहे हो, उनको तो देना है जाके, उसको शाम को रिवाइज करना है, शाम को पेपर है तो फौरन घर पहुँचते रिवाइज करना है उसको, सुबह पेपर है तो दोपहर को रिवाइज कर लेना है। उसके बाद मुझे लगता है कोई भी पेपर उठा लो, लास्ट ईयर के उठा लो, 2019 के मॉक उठा लो, सबके अकाउंट में बच्चों के पड़े होते हैं, नेट पे पड़े होते हैं, सब अकाउंट में होंगे, उनको करना शुरू कर दो। कोई जरूरी नहीं है कि सारे पेपर करने, जितने पेपर कर सको। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है कि भैया 2018, 2017, 2016 ये पेपर तो आप कर ही चुके हो, आप जो तैयारी करते हो, आपके पास जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, वर्क बुक्स होती हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, उन सब में सब ये पुराने साले क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, आपने किए हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक 2019 का कोई भी सेट लेके बैठ गए, वो रियल पेपर है। हम कितने भी मॉक टेस्ट बनाए, हम कितने भी सुपीरियर फैकल्टी बैठे, एग्जैक्ट पेपर नहीं बना पाते। जनरली फीलिंग क्या होती है वरुण की, हम बच्चे को भी कमजोर थोड़ा करना है, हमने जो हम पेपर जो बनाते हैं सभी इंस्टीट्यूट के लोग, वो ये बनाते हैं कि पेपर अगर 20 है तो हम 19 पेपर नहीं बनाएंगे, 21 बनाएंगे। बिल्कुल, तो ये नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल। कितना भी अनबायस होके पेपर बनाने की मैं कोशिश करूँ, हल्का सा पेपर मुश्किल बन जाता है, हमें लगता है यार बच्चे ने ये बेटर क्वेश्चन किए तो वहाँ पे वो आसान क्वेश्चन को फोड़ देगा, तो एक्सेप्ट पेपर नहीं। तो हमने कह दिया आपको कि सीबीटी भी करने हैं आपको, मॉक टेस्ट जो हो रहे हैं, साथ में कुछ पुराने पीयर पेपर में क्या होता है, एक्चुअल में आपको 3 घंटे भी नहीं करने पड़ेंगे, क्वेश्चन तो किए हुए हैं यार, क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, करना क्या होगा, एक रियल फ्रेमवर्क आपके सामने आएगा, यार ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान होता है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, इस तरह क्वेश्चन तो ऐसे कर सकता था, इसमें रिंग एक्सपेंशन कर सकता था, इसके अंदर इंटीग्रेशन फॉर्म लगा सकता था, इसके अंदर में ये बिल्कुल डायरेक्ट जो है आपका इंटरफेरेंस क्वेश्चन था। तो आप एग्जैक्ट पेपर को देखोगे
तो उससे ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ दो तीन पेपर कर लो पुराने वाले, कोई भी 2019 के 3-4 सेट उठा लो, और 2-4 पेपर आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं वो कर लो। हमने भी अपनी आपके बच्चों को बता दूं, हमने भी 4 नए वरुण मॉक टेस्ट डाले हैं, तो जिन लोगों ने हमारे 2019 के सारे रिव्यू टेस्ट कर लिए हैं, हमने 4 नए मॉक टेस्ट डाले हैं, काफी अच्छे से बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल बनाए हैं, लेकिन फिर भी यू हैव टू डू सम प्रीवियस रिव्यू, आप समझ आ गए ना। और इन टेस्टों में यार वरुण मार्क्स पे बिल्कुल ख्याल नहीं रखना है, कोई बच्चा तेरे को कॉन्टेक्ट करे, कोई मुझे पूरी टीम को कॉन्टेक्ट करता है, मार्क्स इमेटेरियल है। इस टाइम जो कॉन्फिडेंस आता है ना, इस टाइम जो कॉन्फिडेंस आता है वो आपके एफर्ट से आता है। पीछे मुड़ के देखो कौन हो आप, जो आप ठंड से नहीं निकले हो, अभी ठंड चल रही है बहुत ज्यादा, आपने सारे सीजन देखे, आपके नंबर कम आए, कभी ज्यादा आए, कभी पापा ने डांटा, कभी मम्मी ने डांटा, स्कूल टीचरों ने कुछ करा, ठीक है, यू हैव कॉन्कर ऑल हर्डल्स, डोंट फॉरगेट दिस कि हु आर यू। ये 2 साल से लगातार डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन को हर्डल क्रॉस करते हुए आ रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए मार्क्स पे कॉन्फिडेंस नहीं करना, आपके एफर्ट पे कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस बहुत मैजिक होता है, कॉन्फिडेंस वरुण इतना मैजिक होता है। एक एग्जांपल दूं बच्चों को, ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले साल क्रिकेट में बिल्कुल हार रही थी, क्योंकि उनका स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और जो वन प्लेयर को उन्होंने 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था, बॉलिंग वही थी, लेकिन इंडिया ऐसी टीम भी उसको हरा के आ गई। लेकिन जैसे ही वो तीनों का बैन पूरा हुआ है, तीनों लौट के आए हैं, भाई साहब पिछले 4 टेस्ट में लगातार जीत गए, तो कॉन्फिडेंस क्या हुआ उन्हें अपने कैप्टन का वापस आने का, टॉप प्लेयर का आने हुआ। तो कॉन्फिडेंस इज द मैजिकल थिंग इन द लाइफ। तो आपका कॉन्फिडेंस कौन हो, हम नहीं, आप खुद, क्योंकि यू हैव टू सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर जाना है, ये ध्यान रखना। और वरुण क्या पूछना चाहते हो भैया? और भैया मैं इसी चीज पे एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपके अंदर से ही आएगा हमेशा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको ये सोचना है और ये इस कॉन्फिडेंस से जाना है कि मैं कोई सिली मिस्टेक नहीं करूंगा यस, और मुझे जीतना है इस पेपर। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस, कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ, क्वेश्चन दे दे रहा होते जा रहे हैं जी। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ज्यादातर बच्चे पता क्या सोचते हैं, सोचते यार हमसे नहीं हो रहा होगा, दूसरे से हो रहा होगा। मैं तो कह रहा हूँ ये सोचो मुझसे नहीं हो रहा था, किसी से नहीं हो रहा, और अपने को विजुलाइज करो पॉजिटिव थॉट से कि मैं बैठ रहा हूँ एग्जाम में, क्वेश्चन मैथमेटिक्स पेपर आया है, दे दे रहा हूँ क्वेश्चन हो रहे हैं, एक आधा क्वेश्चन अटक गया अगले में चल रहा हूँ, दे रहा हूँ क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये बहुत सही कह रहा है वरुण भैया कि भाई एक्चुअल में आपकी जो पॉजिटिव एफर्मेशन है ना वो मैजिक क्रिएट करती है। मैजिक क्रिएट क्या करती है, पूरी एनर्जी का फ्लो जो है ना वो क्रिएटिव डायमेंशन में होना शुरू हो जाता है जी। तो मैं ये कहूँगा कि डू नॉट चैलेंज योरसेल्फ इन दीस 7 days, हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ। क्यों, आप कौन हो, आप कोई कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो जो बैठ के तुक्के लगाने जा रहे हो। आपने 2 साल से सेक्रीफाइस किया है, आपने मेरी फंक्शन अटेंड नहीं किए, आपने कोई पार्टी नहीं की है, आपने जन्मदिन नहीं मनाए अपने, जो है समझने की कोशिश कर रहे हो आपको, जो है आपने कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में टाइम वेस्ट नहीं किया है, ठीक है जी। तो आपने क्या करा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ बैठ के बातचीत की। तो डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ, अपने सेल्फ एस्टीम को थोड़ा जगा के टेस्ट की फीलिंग करो। और दूसरा, पापा मम्मी अपने ही तो हैं, और पापा मम्मी का ये नेचुरल नेचर होते हैं, अभी कैसी तारी चल रही है, घबरा तो नहीं रहा, घबरा रहे खुद वो, पूछेंगे आपसे, तो उनकी बात से अफेक्ट नहीं होना है बिल्कुल, और ना उनसे आर्गुमेंट करना है। मेरा फेवरेट डायलॉग 33 साल से चल रहा है, बेस्ट रिएक्शन इज नो रिएक्शन, डू नॉट अप्लाई न्यूटन थर्ड लॉ ऑन पेरेंट्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, समझ गया बात को जो है। तो कभी भी आपको पेरेंट्स से आर्गुमेंट नहीं करनी है, फालतू फ्रेंड से भी दोस्ती नहीं करनी है बिल्कुल भैया, फोन बंद करो आना, फोन में कम यूज करो, सिर्फ वो जो फोन पे क्या टेस्ट दे रहे हो डेस्कटॉप पे दो या टेस्ट देने में करो। आपको ना दोस्तों से बात नहीं करनी है, शौक होता है यार तू क्या चल रहा है, कैसा है यार, बड़ी ठंड है, बात तो शुरू होती है बड़ी ठंड है, लेकिन वो चली जाती है फिजिक्स में, वो चली जाती है क्या केमिस्ट्री के अंदर। बिल्कुल भैया, हर एस्पिरेंट का ना कोई एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो उसको 4 चीजें ऐसी बता देगा जिसमें उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, ब्रेक हो जाएगा, ये हर बार हर किसी के साथ होता है। तो ऐसे फ्रेंड्स से थोड़ा डिस्कशन जो है उसको रिफ्रेन करना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम वेयर यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। यस, अगर एक आ टॉपिक छोड़ रखा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी, तो अभी टाइम नहीं है उसको करने का। और सुनो जी, ये बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, सारा सिलेबस करना होता है, कंपटीशन एग्जाम में सारा सिलेबस करना होता है। अच्छा देखें वरुण, एम क्या है जेई मेंस का, पहला एम है कि क्वालिफाई करना है एडवांस के लिए, वो तो यार 78% भी लास्ट टाइम हो गया था, एवरेज स्कोर 82, 84, 86 बनता है,
ठीक है जी। उसके बाद दूसरा एम है कि हमें एक अच्छा सा रैंक आ जाए, जिससे कि हम जो है ना एक बैकअप प्लान तैयार हो जाए कि अगर हम आईटी एडवांस में कुछ ऊंच नीच हो जाए, ठीक है, तो हम जो है अच्छे से एनआईटीज के अंदर या ट्रिपल आईटीज के अंदर ब्रांच ले लें, तो यार बहुत कम नंबर पे हो जाती है। और भूलो मत, ये एक एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है जनवरी में, एग्जाम तो अभी अप्रैल में भी होना बाकी है, ठीक है ना। अब मैं बताऊं आपको, अगर आप एक अच्छी फीलिंग से एग्जाम देने जाओगे तो यू विल हैव गुड मेमोरीज। इट डजंट मैटर कि पेपर अच्छा हुआ या खराब हुआ है, आपने कॉन्फिडेंस बनाया, 7 दिन कॉन्फिडेंस बनाया, यू आर लिविंग द लाइफ टू द फुलेस्ट, आपने जाके एग्जाम में किया, जो होगा देखा जाएगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा ना, तो गुड थिंग भी वरुण मेमोरी में रहती है, बैड थिंग भी मेमोरी में रहती है। थोड़ा मेरा गला खराब है, आप परेशान ना होना, तो दोनों टाइप की मेमोरी रहती है। जब आगे आप अप्रैल में जाओगे, दोनों मेमोरी काम करेंगी। तो मैं चाहता हूँ ये एक्सपीरियंस आपका बढ़िया हो, खुशी से हो, तो ये मेमोरी अप्रैल टेस्ट को और अच्छा कर देगी। छोटी मोटी कमी रह गई यार, मिल लेना, बातचीत कर लेना अपने टीचरों से, अपने एचओडीज वगैरह से, हमसे बात कर लेना जी। हम उसको हटा देंगे चीजों को, अप्रैल में फोड़ लेना जी। तो अब जो बात आती है लास्ट में, और कोई पॉइंट तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? मेरे को भैया एक चीज आपसे ये भी स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करनी थी कि मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा एनिमी राइट नाउ, यू नो, जस्ट बिफोर द एग्जाम्स होता है, वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है। वेरी राइट, वेरी राइट। अब देखा जाए स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को डिफाइन करें। स्ट्रेस पता क्या होता है, ठीक है जी, किसी काम को आप विदाउट जॉय करो, तो किसी काम को आप जबरदस्ती से करो। देखो यार, इस रेस में बहुत बच्चे चले होंगे आपके 3 साल पहले, 2 साल पहले, 12th पास वालों को तो खैर अटेम्प्ट, ये तीसरा अटेम्प्ट हो रहा है, तो कितने बच्चे छोड़ गए, पीछे हट गए, समझने की कोशिश कर रहे हो, खाली बोर्ड में चले गए। तो मैंने कहा मतलब आप तो यार किस काम को मजे ले रहे हो, आप डिटरमिंड बच्चे हो, तो आपको स्ट्रेस कैसे हो सकता है? स्ट्रेस इज द एब्सेंस ऑफ जॉय। तो अभी आप देखोगे यार, ये तो एक और चीज होती है आजकल, एंग्जाइटी नाम का भी एक शत्रु आया। एंग्जाइटी दो टाइप की होती है, स्ट्रेस समझ रहे हो, स्ट्रेस कुछ नहीं है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस यार, लोग कहते हैं जी भैया बड़ा प्रेशर हो रहा है और प्रेशर की वजह से मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। प्रेशर तो भाई साहब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, सब पे बराबर लग रहा है, ये स्ट्रेस तो बेकार की चीज है, ये दूसरों ने डाल दिया भाई। लोग पूछ रहे तू स्ट्रेस तो नहीं है? अच्छा खासा बच्चा बैठा है कि बेटा तू स्ट्रेस तो नहीं है, वो कंफ्यूज में स्ट्रेस हो जाता है। कोई स्ट्रेस नहीं यार, 2 साल से मेहनत करी, कहेगा स्ट्रेस? कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं सोचना है, ये आइडिया मत दे बच्चों को स्ट्रेस क्या होता है। हाँ, एंग्जाइटी जरूर होती है, नेचुरल एंग्जाइटी नेचुरल भी हो सकती है, लेकिन अगर आपके सिर में घुस जाए तो अननेचुरल हो जाती है। अननेचुरल कैसे होती है यार, क्या होगा मेरा यार, 7 तारीख को मेरा एग्जाम है, किसी का 8 को एग्जाम है, क्या होगा भाई, ठीक है जी, अच्छा जी क्या होगा, क्यों, मेरा पिछला मॉक टेस्ट करा हुआ था, मेरा वो 3 महीने मेरा टेस्ट करा हुआ था, तो हिस्ट्री विच डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी मेमोरी लेके जा रहे हो किसमें, फ्यूचर, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप फ्यूचर जो अभी इवेंट होना है, जो इवेंट होना है, उसको क्यों खराब कर रहे हो एंग्जाइटी, एक नेचुरल एंग्जाइटी होती है यार। जैसे अभी पिछले वीक एक वो दिल्ली में एजिटेशन हो रहा था, हमारी क्लास जो है वो पोस्टपोन हो गई, तो हमने सोचा अपनी वाइफ को डेट पे ले जाते हैं, तो बड़ी एंग्जाइटी हुई यार, पिछले 6 महीने से टाइम ही नहीं मिला यार डेट पे ले जाने का, इतने काम कर रहे हैं विद्या मंदिर में, बड़ी एंग्जाइटी, कौन से कपड़े पहने, कौन से जूते पहने, एक बार शेव कर रहे हैं, 2 बार शेव कर ले, बाल तो खैर हमारे है ही नहीं, ठीक है जी, तो फिर यार बड़ी एंग्जाइटी हुई, कैसे पहनना है, क्या करना है, ठीक है जी। तो आई एंजॉयड दिस एंग्जाइटी जी, काई की एंग्जाइटी, ये तो थ्रिल था जी। तो अगर बच्चे थ्रिल से ले लें कि एंग्जाइटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ज्यादा हेड में ना ले जाए, परेशान हो ना हो, और देयर इज नथिंग टू लूज इन दिस जनवरी एग्जाम बिकॉज यू हैव अनदर अटेम्प्ट इन अप्रैल, तो ये एंग्जाइटी वगैरह की जरूरत नहीं है। आप पहचानो हु आर यू, यू आर ए स्टूडेंट हु हैव रियली टेस्टेड आउट विद द लास्ट 2 ईयर, सारे आपने जो है ना सारे हर्डल कॉन्कर कर लिए, बस एक लास्ट हर्डल कॉन्कर करना है जनवरी का जी। तो आई होप आपको मतलब हमारी बातें कुछ समझ में आई होंगी, ठीक है, नहीं समझ आई है फिर भी आप ले लो अपने स्टूट के अंदर, फोन नंबर होते हैं सब टीचरों के पास, उनसे व्हाट्सएप करो, उनसे बात करो, मेरा नंबर भी होता है, ठीक है जी। तो मुझे लगता है और यही पॉइंट है सारे जी, बिल्कुल, हम सब मिलके माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सब बच्चों को, अपने सब बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करे और उनके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ को जागृत करे, और उन इस इनर स्ट्रेंथ से अपने अंदर जो एक डाउट पैदा हो गया है, डार्कनेस पैदा हो रही है, उसको प्रकाश में बनाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर वरुण, थैंक यू फॉर गिविंग मी इन अपॉर्चुनिटी, ओके, टेक केयर, बाय।